हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी हेयर ऑयल, ठंडा ठंडा कूल कूल ऑयल। और ये ऑयल खास करके जब हमारे सर में दर्द होता है या सिर्फ भारी भारी सा लगता है तो इसको यूज़ किया जाता है। और ये मार्केट में काफ़ी सारे ऑयल मिलते हैं शीतल ऑयल के नाम से, ठंडे तेल के नाम से, तो हम वही बनाएंगे आज घर में। और इसमें कोई केमिकल नहीं होगा तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा हमारे हेयर्स को, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि ठंडा तेल यूज़ करने से कई बार बाल टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सो के ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम ये घर में ही ऑयल बनाएंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम भी इससे दूर हो और हमारे बाल भी ना टूटे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम बनाएंगे कोकोनट ऑयल में। मैंने पैराशूट का ऑयल लिया है और मैं इसमें 4 चम्मच ऑयल ले लेती हूँ। और ये बहुत इजीली बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना हमें इसको इसमें गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत है ना कुछ, बस ये बिना गैस के ही बन जाएगा। और ये 4 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स कपूर। मैं बहुत थोड़ा सा ही कपूर ऐड करना है, ये देखिए मैं बस इतना सा कपूर ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये धीरे धीरे अपने आप ही इसमें मेल्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पीपरमेंट का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। और अगर आपके पास पीपरमेंट का ऑयल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ऑयल नहीं है इसलिए मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी ठंडा रखता है हमारे सिर को, बहुत अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद। तो मैं इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स यूज़ करूँगी इसमें। और अगर आपके पास ऑयल हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप एक बार लाएंगे तो इसमें कई बार बन जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती है इसकी। और मार्केट में से हम लाते वो ठंडा तेल काफ़ी महंगे होते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और जब तक ये कपूर मेल्ट होगा तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। और अब फ्रेंड्स जो मार्केट वाला ऑयल होता है वो थोड़ा सा कलर में होता है, अब ये तेल ऐसे ही यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा ये। बट अगर आपको दिखने में लगना चाहिए कि भाई वैसा ही ऑयल बने थोड़ा सा कलरफुल, तो हम इसमें रतन जोत ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए मैं इतना सा रतन जोत ले रही हूँ, इसमें ऐड कर दे रही हूँ और ये धीरे धीरे अपना कलर इसमें छोड़ देगा जब तक कपूर मेल्ट होगा जब तक। और दोस्तों कलर भी आता है, कलर वाला ऑयल आता है जिसको ऐड करते हैं कलर के लिए, तो मेरे पास वो नहीं है, मैं इसीलिए रतन जोत ऐड कर रही हूँ इसमें। बाकी उस ऑयल को मिलाने से कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर दर्द जाएगा या कुछ, वो सिर्फ कलर के लिए ही होता है, सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए होता है ऑयल को। तो हम इसमें रतन जोत ऐड कर दे रहे हैं, अभी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर हमें इसको स्टोर कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। और ये देखिए कलर एकदम अच्छे से आ गया है इस ऑयल में। अब मैं इसको छन्नी से छान लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी। और दोस्तों ये आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उल्टा फ़ायदा ही करेगा ये। और अब मैं इसे क्लीन कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। और ये देखिए हमारा ठंडा तेल बनके तैयार है, इसका कलर भी अच्छा आया हुआ है, मार्केट जैसा लग रहा है ये। और बिल्कुल फ़ायदा ये वैसा ही करेगा और कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। और आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।